अभी तक की सबसे बेस्ट जो जगह लगी ना मुझे वो ये लगी गुलमर्ग। और इतना सुंदर था यहाँ का नज़ारा, पेड़ पौधे और पेड़ों के नीचे इस तरीके से फूल खिले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गार्डन में फूल खिलाए हो। और लेकिन मेरे साथ एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि मेरा फ़ोन की ना बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना नहीं पाई। तो नॉर्मल फ़ोन से मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि आईफोन में ज़्यादा अच्छी वीडियो आती है। तो फिर भी जितनी वीडियो आई है उतना मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगी। और इतना सुंदर लग रहा था ना मुझे, सबसे बेस्ट मुझे लगा। अगर कभी भी आओ ना तो गुलमर्ग कभी स्किप मत करना, ये देखने वाली जगह है। यहाँ पर आप जगह जगह पर रोक कर भी ना फोटो सेशन कर सकते हो, क्योंकि इस साइड पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप गाड़ी लगा के फोटो क्लिक नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। भाई थोड़ा सा देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। गानों में सीन आते हैं ना, मुझे लग रहा है वो यहीं के ही होते। इतनी सुंदर जगह था, इतना अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी भी काफी मस्त होके गाना गा रही थी। ऐसे नज़ारों में अगर बाहर मुंह निकालकर हवा ना खाई जाए तो मज़ा ही क्या है। ला 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 ला, साथ में मेरी बेटी यहाँ पर गाना गा रही है बिल्कुल मस्ती से। अंततः हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग, और यहाँ पर सामने एक सुंदर सा विष्णु जी का मंदिर था, लेकिन जिसमें हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये हो चुका है क्षतिग्रस्त, क्योंकि यहाँ पर ना शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके कारण मंदिर पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ के लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी या बताया। और यहाँ से भी ना आप लोगों को घोड़ा करके आगे जाना था जहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क है या कुछ था, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें जाना था मंदिर, शंकराचार्य मंदिर। एक दिन में हमें दो पॉइंट करने थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी फोटो खींची, वीडियोस बनाई, मस्ती की। उसके बाद ना हम काफी थक भी चुके थे, तो हम लोग नीचे को वापस आ गए। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोग निकल पड़े शंकराचार्य मंदिर की तरफ। रिद्धि यहाँ पर थक चुकी थी, तो मैडम ने निकाले अपने पैर हवा में और आराम फरमाते हुए चल पड़ी। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे शंकराचार्य मंदिर के पास, और यहाँ से थी चढ़ाई 265 सीढ़ियाँ थी टोटल, जिनको चढ़ने में ना काफ़ी सांस फूल रही थी हमारी। और यहाँ पर हमारे पतिदेव तो जगह जगह विश्राम करके आगे को चल रहे थे, क्योंकि रिद्धि इन्होंने ही पकड़ी हुई थी। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर मंदिर में। मैं आपको पूरा मंदिर का परिसर दिखाती हूँ। ये रहा पूरा मंदिर, और ये बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ से ना पूरा श्रीनगर बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है। थोड़ा सा आप भी मंदिर को देख लो, जब भी आप कश्मीर आए ना तो ये मंदिर ज़रूर आप देखें, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद ना बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। मतलब ऐसा लगता है भोले बाबा साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ से देखो कितना सुंदर पूरा श्रीनगर दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ऊपर से भोले बाबा पूरा नज़र रख रहे हैं श्रीनगर पर, और इनकी निगरानी में पूरा श्रीनगर है। तो जब अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, जब दर्शन के लिए जा रहे थे ना तो सूरज की किरणें किस तरीके से हम पर पड़ रही थी देखिए। और यहाँ पर ना मैं कैमरा ऑफ कर दूंगी, क्योंकि हम लोग आए काफ़ी दूर से मंदिर में दर्शन के लिए, तो अंदर फ़ोन चलाना ना अच्छा नहीं लगेगा। और दर्शन ना बिल्कुल फ़ोन साइड रख के ही करो, तभी अच्छा लगता है। जब भी आप कश्मीर आओ ना तो शंकराचार्य मंदिर ज़रूर आना, क्योंकि श्रीनगर में ही है मेन। और यहाँ पर ना कुछ सिक्के डले हुए थे दीवारों में, ये सिक्के किस चीज़ के थे ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।